प्रगतिपरक व्यवस्था और पूरे अस्तित्व मिश्र अस्तित्व को देखते हुए सभी के प्रति कृतज्ञता। परीक्षित अग्रवाल, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज सिटी में यमुना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ कंप्यूटर साइंस विभाग में। अभ्यास एक और अभ्यास दो, ये अगर अपनी समझ को देख पाऊँ तो मॉर्निंग सेशन शुरू होने से पहले एक बार मौका मिला था भानु भैया के साथ अभ्यास एक के ऊपर चर्चा करने का, लेकिन आज मुझे ध्यान है कि भैया ने बहुत अभ्यास पे ध्यान दिलाया, बहुत चीज़ों पे ध्यान भी किया, लेकिन एक जो देखने की प्रक्रिया थी वो सेटल नहीं हो पा रही थी। और फिर जैसा कि हम सभी देख पाते हैं कि हाँ फेस टू फेस में ध्यान ज़्यादा जाता है, लेकिन वहाँ से फिर वापस आने पे अगर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे तो रेगुलरिटी नहीं होने पे चीज़ें फिर मिट्टी हो जाती। यहाँ जब मॉर्निंग सेशन शुरू हुआ और उसमें रिपीटेडली हम इन सब अभ्यासों में बने रहे और उसमें कई प्रश्न आए, उनके जब रिस्पांस आए गणेश सर की तरफ से, शमला दीदी की तरफ से, कुमार भैया की तरफ से, तो समझ में आया कि हाँ कितने ही प्रश्न तो मेरे ही थे और उनमें कितना कितना मान्यता बस मान के जी रहे थे। अभ्यास एक की जब पहले सब की बात करते हैं कि हर पल हर क्षण स्वयं में ध्यान बना रहे, अपनी कल्पनाशीलता के प्रति जागरूक रहना है। और सबसे अच्छा लगा कि बिना किसी प्रतिक्रिया करे, बिना परेशान हुए, हर पल हर क्षण बस अपने चाहना को देखना है, ध्यान देना है। पहली बार में ये प्रत्येक रूप से मैं कहूँ फ्रेंकली स्पीकिंग संभव नहीं था कि पूरा ध्यान बनाए रहे, हर समय ध्यान बना रहे, परंतु एक चीज अच्छी थी कि ये भी वहां पे गाइडलाइन में था रिएक्शन नहीं करना है, इससे एक बल मिलता था कि करने लायक कार्य तो यही है, ध्यान तो स्वयं में चल ही रहा है। धीरे धीरे जब इस प्रैक्टिस पर आगे बढ़ते गए तो ये भी समझ में आया आगे के स्टेप में कि जो भी भाव विचार इस समय हमारे अंदर चल रहे हैं वो हमें सहज स्वीकार है कि नहीं, हम उसकी निरंतरता चाहते हैं कि नहीं। इस विषय पर जब विचार करना शुरू किया तो ये भी देख पाए कि बहुत से ऐसे विचार हैं जिनकी कोई उपयोगिता नहीं है और फिर भी वो चल रहे हैं, और ध्यान दिया तो समझ में आया कि चल ही नहीं रहे बल्कि मैं उसको चला रहा हूं। परंतु ये ध्यान में बना हुआ था कि रिएक्शन नहीं करना है, परेशान नहीं होना है, डिस्टर्ब नहीं होना है, बस उन विचारों को मूल्यांकन करते हुए हमें यह ध्यान देना है कि जो भी विचार हमें सहज स्वीकार है या नहीं, और हम उसकी निरंतरता चाहते हैं या नहीं। जैसे जैसे ध्यान जाने लगा तो सहज स्वीकृति को भी और स्पष्टता से समझ में ध्यान गया, निरंतरता में जो विचार हम चलाना चाहते थे वो अपने आप बने रहे, और जिन विचारों की सह स्वीकृति नहीं थी, जिनकी हम निरंतरता नहीं चाहते थे, वो विचार अपने आप धीरे 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 हटते गए। आगे के स्टेप्स में जब स्टेप थ्री और फोर फाइव के अंदर इन बातों पर और ध्यान गया कि जो भी विचार हमारे सेल्फ में चल रहा है, मैं चला रहा हूँ, उनका आधार क्या है, वो मान्यताओं पे आधारित है, संवेदनाओं पे आधारित है या समझ पे आधारित है। अभ्यास के पहले दूसरी बार में तो इन तीनों स्टेप्स में भी काफी कुछ मान्यताएं बनी, कुछ पुरानी मान्यताएं क्लियर भी हुई लेकिन नई मान्यताएं भी बनी, कुछ थकावट भी महसूस होती थी, लेकिन कई बार जब अभ्यासों को दोहराया गया तो थोड़ी थोड़ी और स्पष्टता बनी, जो भी दुविधाएं थी वो दूर हुए। अभी भी विचारों में मान्यताओं और संवेदनाओं के प्रभाव था ही, फॉर एग्जाम्पल दोस्तों के साथ
अपने कलीग्स के साथ मेरा भाव संबंध व्यवस्था से अस्तित्व के अर्थ में है या अन्यथा है। इस क्षण मैं आराम में हूँ, सुखी हूँ, संगीत में हूँ या अव्यवस्था में हूँ, विरोध में हूँ, सुख का अभाव है। लेकिन ये भी ध्यान गया कि जब जब मैं संबंध व्यवस्था और सत्यत्व को देख पाता हूँ, समझ पाता हूँ, जीने में ला पाता हूँ और उसके अनुरूप अपने भाव विचार का निर्णय करता हूँ, तो एक आराम बना रहता है, संगीत बना रहता है, सुख बना रहता है। और जितने जितने इसकी निरंतरता हो पाती है उतना उतना आराम हो पाता है। और यहाँ से इस बात पे भी और क्लियरिटी आई कि सुख स्वभाव है ना कि प्रभाव। अभी तक एक अभ्यास था बहुत पुराना, कुछ करके सुखी होना, बाहर सब ठीक हो जाए तो सुखी हो जाऊं, व्यवस्था ठीक हो जाए, परिवार ठीक हो जाए, कॉलेज ठीक हो जाए, कलीग्स ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाए। लेकिन ध्यान गया, ये प्रश्न बहुत पूछता था मैं कि इतनी इतनी जगहों पे तो आराम है, यहाँ यहाँ पे दिक्कत हो रही है, तो हर बार एक ही रिस्पॉन्स आता था कि काम तो स्वयं पे ही करना है। इसी बात का भी ध्यान गया कि क्या स्वयं को देख पाया हूँ, जान पाया हूँ, या इसको भी मान ही लिया है कि मैं हूँ और शरीर है। तो जितना जितना स्वयं पे ध्यान गया, जितना जितना इस कंटेंट के थ्रू ध्यान गया कि एवरी अदर सेल्फ इज सिमिलर टू मी, मैं भी सुखी होके सुखी करना चाहता हूँ, दूसरे भी सुखी होके सुखी करना चाहते हैं। तो जितना जितना सही की तरफ ध्यान गया, समझ की तरफ ध्यान गया, उतना उतना और आराम में आ पाया, उतना कंटेंट को समझने में, एक्सप्लोर करने में और शेयर करने में आराम हो पाया। जी मैं आज से 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल पहले की अपनी यात्रा को देखता हूँ तो एक आराम तो दिखता है। कुमार भैया भी अक्सर ही ध्यान दिलाते हैं बार बार कि अभी मैं कहाँ हूँ और कहाँ पहुँचना है, इसमें एक लंबा गैप दिखता है और वाकई गैप है, समय लगेगा, दूरी है, लेकिन पुनः जब मैं कहाँ था आज से 2 साल पहले 4 साल पहले 5 साल 10 साल पहले और आज कहाँ पर हूँ, उससे भी एक बहुत उत्साह मिलता है। क्योंकि करने लायक कार्य तो इतना ही है, जितना भी कर पाए अभी तक उसका उत्सव, और आगे और ठीक होना है स्वयं में, समझना है स्वयं में, व्यवस्थित होना है स्वयं में, इसका उत्साह। संवेदनाओं और मान्यताओं बस पहले जिन्हें सुख मान रखा था, अब वो साफ साफ देख पा रहे हैं कि वो उत्साह है, सुख नहीं था। सुख का मतलब तो सिंपली व्यवस्था है, एक्साइटमेंट हो ही नहीं सकता किसी भी रूप में। परिचय शिविर में जब हम लोग को राइट या राइट नाउ पहली बार देखा तो उसमें लगता था कि आधे वीडियो में रिएक्शन हो रहा है और आधे वीडियो में रिस्पॉन्स हो रहा है, लेकिन जब ध्यान गया तो ध्यान गया कि रिएक्शन तो उस पूरे ही एक्सरसाइज में था, पूरे ही डॉक्यूमेंट्री में था, कहीं वो पॉजिटिव रिएक्शन था, कहीं नेगेटिव रिएक्शन था, लेकिन इस पर भी ध्यान गया। हमारे जो भी रिसोर्स पर्सन थे, स्पेशली मुझे याद है मेरा पहली बार ध्यान गया था समला दीदी के द्वारा, उससे पहले उमेश भैया ने भी ध्यान दिलाया था कि रिएक्शन भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, लेकिन वह रिएक्शन ही, रिस्पॉन्स तो हमेशा सही के अर्थ में, सही व्यवस्था के अर्थ में ही होगा। पुनः अभ्यास 2 की अगर बात करें तो वहां पे भी स्वयं को देखना था, स्वयं के द्वारा, और साथ ही साथ स्वयं और शरीर दोनों को देखना था, उनके बीच होने वाले आदान प्रदान को देखना था कि मैं हूं
शरीर है, दोनों ही अलग अलग वास्तविकता है। मैं पे ध्यान देते हुए ही शरीर को देखना था, अपने और शरीर के बीच में सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। थोड़ा समय लगा इन चीजों को आत्मसात करने में, क्योंकि तो बार बार भटक जाता था, बार बार स्वयं को शरीर मान के जीने का अभ्यास था। लेकिन फिर जब स्टेप थ्री पे बात हुई कि शरीर को क्या संकेत देना है, किस संवेदनाओं को पढ़ना है, इसका निर्णय कौन ले रहा है, इसका निर्णय तो मैं स्वयं ले रहा हूं। स्वयं है जिसमें जानने और मानने की प्रक्रिया हो रही है, और अगर जानने में कुछ कमी रह जा रही है, जो माना हुआ है वो हम जाने अनजाने में शरीर के साथ बहुत सी ऐसी चीजें करते हैं जो शरीर को तो नुकसान कर ही रही हैं और स्वयं को भी विचलित करती हैं। विशेष रूप से भोजन, परिवार में बड़े लोगों से हमेशा एक बात कही जाती थी कि बिना खाए शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा, खा के जरूर हो जाए, इस बात पे ध्यान नहीं जाता था। बात अच्छी लगती थी लेकिन ध्यान नहीं रहता था। फिर जब अभ्यासों में इन बातों को नियम सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ध्यान गया और नियमों को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से हेल्थ सेशन को सुनने में शिमला दीदी के द्वारा, डॉक्टर सुंदरा जी के द्वारा स्वास्थ्य के ऊपर और भी ध्यान गया कि हमने अपने शरीर को कितना बिगाड़ रखा है, जबकि बहुत आराम से स्वयं को व्यवस्थित रखते हुए शरीर को व्यवस्थित रखा जा सकता है। भोजन का, सोने का, उठने का, श्रम का, व्यायाम का, इन सब बातों पर ध्यान देने से समझ में आया ये तभी संभव है जब हम ये समझे कि शरीर मेरा एक उपयोगी इंस्ट्रूमेंट है और ये स्वयं पे ध्यान देने से ही पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि सारी चीजें तो स्वयं में ही चल रही हैं, मैं ही निर्णय ले रहा हूं कि क्या करना है क्या नहीं करना। अभ्यास दो के स्टेप फोर में जब इस बात पे ध्यान गया कि क्या मैं संवेदना हूं, क्या मैं संवेदना में हूं या मैं अलग हूं, संवेदना अलग है, मैं संवेदना से दूर हूं और दूर होते हुए भी संवेदना को पढ़ पा रहा हूं, मैं और शरीर के बीच में दूरी है और उसे हमें देखना है। उसी प्रकार जिस प्रकार हम एक नदी के किनारे बैठे हैं और नदी बह रही है, मैं हूं और नदी है, नदी मैं नदी नहीं हूं, मैं नदी में नहीं हूं बल्कि नदी के किनारे हूं और उसके बहाव को देख रहा हूं, उसमें कूद नहीं पड़ना। जो भी संवेदनाएं शरीर से आ रही है उसके ध्यान देना है, उस पर काम करना है। जो भी आवेश का भाव था वो बाहर था, स्वयं पे आवेश आने की क्या आवश्यकता है। भानु भैया की मुझे एक बात याद आती है कि उन्होंने कहा अगर स्वयं में स्थिरता है तो कभी अगर आवाज तेज भी करने की जरूरत पड़ी तो ठीक है। बहुत गहरी बात थी ये, अभी भी इसको समझने का बहुत कार्य चल रहा है, लेकिन हाँ किया जा सकता है। और तात्पर्य भैया के साथ ये था कि आवश्यकता उसकी पड़ेगी ही नहीं, जितना जितना इस बात पे ध्यान जाता है बिल्कुल आवेशित होने की या आवाज तेज करने की आवश्यकता भी नहीं है। क्योंकि बाह्य स्टेप फाइव में जब ये बात ली हुई कि बाह्य परिस्थिति का प्रभाव शरीर तक पहुंचता है लेकिन उसे मैं निर्णय पूर्वक पढ़ता हूँ, मैं ही अर्थ देता हूँ, मैं उससे प्रभावित होता हूँ या नहीं होता हूँ, प्रतिक्रिया करता हूँ अथवा जिम्मेदारी पूर्वक प्रस्तुत होता हूँ, इसका निर्णय भी मैं लेता हूँ, शरीर नहीं। स्टेप सिक्स में जब ये बात हुई अर्थ हम दे रहे हैं अपने शिक्षा संस्कार के अनुरूप,
अगर हम सही अर्थ नहीं दे पाए तो वहां पे प्रतिक्रिया कर बैठते हैं, और अगर हम सही अर्थ दे पाए तो हम रिस्पॉन्स करते हैं। इसके साथ में अभी तो ये कहूंगा कि इंफॉर्मेशन फॉर्म में जरूर ये पहुंच गया है, लेकिन और जानने समझने के प्रयास में लगा हुआ हूं। अभी बहुत कार्य करना बाकी है, लेकिन ये तो जरूर स्पष्टता बनी कि सुख स्वभाव है, प्रभाव नहीं। और बिल्कुल यहाँ अगर बात करें सीरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सुख स्वभाव के रूप में दिखता है, तो उसके लिए एक बात जरूर भानु भैया ने ध्यान दिलाई थी रीजनल कॉन्फ्रेंस में भी, और फिर उसके बाद मंथली मीटिंग में भी भैया से मिलने का हुआ था, कि हमें अपना कार्यक्रम स्वयं के डेवलपमेंट के लिए प्रायोरिटी पिलाना होगा। सेल्फ डेवलपमेंट के साथ साथ टीम डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन और सोसाइटल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन, क्योंकि एक जो अनुकूलता आज हम अपने आसपास देख पा रहे हैं, समाज में देख पा रहे हैं, इस पूरी टीम के साथ देख पा रहे हैं, इसके लिए बहुत से लोगों ने बहुत वर्षों का प्रयास किया है, तब जाके आज हम ये कंटेंट हमारे समक्ष है, एक पूरी टीम हमारे साथ है हैंड होल्डिंग के लिए। बहुत से साथी मुझसे अक्सर पूछते हैं कि आप कैसे कर पाते हैं, तो चीजें हो ही रही हैं, व्यवस्था में चीजें हैं, व्यवस्थित हैं, पूरी टीम पूरा स्थित सपोर्ट में है। मैं सिर्फ व्यवस्था को समझने का प्रयास करते हुए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा हूं, नथिंग एल्स। तो अगेन, जितना हम स्वयं के लिए, टीम के लिए, परिवार के लिए और समाज के लिए भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, उतना कॉम्प्लीमेंटारिटी को देख पाएंगे और कॉम्प्लीमेंटारिटी को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो भी अपने अन्य व्यस्तताओं और अन्य कमिटमेंट के साथ साथ जितना पॉसिबल हो पाता है उतना स्वयं के लिए ध्यान दे पाते हैं। एक पॉइंट है यहाँ पे, स्वयं में वैभव के रूप में अपनी वर्तमान जिम्मेदारियों के साथ परस्परता में अपनी सामाजिक भागीदारी के अर्थ में कितना समय निकाल पा रहे हैं। तो वैभव या प्रॉस्पेरिटी की मैं उपकार मानता हूँ पूरे विषय वस्तु का, पूरी टीम का, इस चीज पे ध्यान जाने की बहुत आवश्यकता थी। मेरे सारे साथी हमेशा मुझे मनी माइंडेड कहते थे, और ये सत्य भी था कहीं ना कहीं, लेकिन जब से इस कंटेंट पर ध्यान गया कि प्रॉस्पेरिटी वैभव एक भाव है, फीलिंग है, आवश्यकता से अधिक की उपलब्धि थी या उत्पादन, और ये देख पाया कि वाकई आवश्यकता से बहुत 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 अधिक है, तो फिर क्यों परेशान है। तो उस चीज से वो चिंता एक जो थी उससे ध्यान हटा, एक आराम आया। तो उसके साथ अपने स्वयं के समझ के लिए, अपनी टीम के साथ कंट्रीब्यूट करने और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने के लिए जितना भी समय हो पाता है निकालने का, लगाने का प्रयास करता हूँ जी। तो अधिक समय ना लेते हुए अभी बात को यहाँ मैं विराम देना चाहूंगा जी। कुमार भैया जी, बहुत बढ़िया भैया, आपने बहुत ही प्रिसाइजली पूरी बात रखी। स्टेप्स के बारे में भी आपने विवरण दिया कि किस तरह से आप इस स्टेप पे ध्यान दे रहे हो, साथ ही आपके अंदर जिन जिन बिंदुओं पे पूरे कार्यक्रम में भागीदार बने रहते हुए जो ध्यान गया है उसको भी आपने बहुत ही सहज भाव से और समय सीमा को बिल्कुल देखते हुए रखा। मुझे लगता है और भी यदि आप कुछ शेयर करना चाहें तो समय है। जैसे अगर आप आपके अंदर जो परिवर्तन हुए उसमें अगर आपको कोई ऐसी बात और ध्यान में आई हो जो बिल्कुल हो सकता है इस कंटेंट से, मतलब ये जो बिंदु है इससे न जुड़ा हो परंतु उन सबके लिए उपयोगी हो सकता है, जैसे समृद्धि के भाव को लेकर, तो आपको कैसे ये दिखा, जैसे आपने कहा कि मैं पहले
मनी माइंडेड मानता था अपने आप को, लोग भी कहते थे, और उसके बाद एकदम से मुझे ऐसा शिफ्ट हुआ, तो उसके कारण जो आपके जीने में परिवर्तन आया, उसको आप कुछ अगर शेयर करें तो सबके लिए उपयोगी रहेगा। जी जी भैया, तो मनी माइंडेड का या समृद्धि का थोड़ा सा अगर रखें, तो जिस एरिया में मैं रहता हूँ इलाहाबाद में, मैं घर के पास, वहाँ पे होलसेल मार्केट है, तो कुछ भी चीजें पहले खरीदनी होती थी, परचेज करनी होती थी, तो लोग उसका बहुत एनालिसिस करते थे, रिटेल में क्या प्राइस है, आसपास घर में कैसे है, और कई बार एक बहुत बड़ी गलती करते थे कि अगर आवश्यकता दो वस्तुओं की है और पांच लेने पे कुछ प्राइस कम हो जा रहा है, तो दो के आवश्यकता के बावजूद पांच ले आते थे, चलो यूज तो ही जाएगा आगे पीछे, और अक्सर वो वेस्ट होके जाता था, कई बार यूज हो जाता था, लेकिन फिर अब ध्यान गया कि जितनी आवश्यकता है उतने पे ही जब कार्य कर सकता है, उतना की ही जरूरत है, तो फिर और क्या आवश्यकता करने की, परचेज करने की, अब वो भी जब हम देख पा रहे हैं कि उसको हम राइट यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। यहाँ दो बातें महत्वपूर्ण हुई या ध्यान गया, एक तो शेयरिंग पे ध्यान गया कि अगर कुछ आवश्यकता से अधिक है भी, तो उसको हम अपने संबंधियों साथियों के साथ शेयर करें, या अगर जरूरत नहीं है ये देख पा रहे हैं तो लेने की क्या आवश्यकता है, जितनी आवश्यकता है उतना ही हम प्रोक्योर करें। साथ ही एक और बात पे ध्यान जाएगा, यहाँ पे तुम्हें ध्यान ध्यान दिलाया था कि कई बार इस कंटेंट से जुड़ के हम अपने डे टू डे लाइफ में भी कुछ जो बातचीत के भाषा में भी कंटेंट की भाषा यूज करने लग जाते हैं, वो कभी कभी भारी हो जाता है। एक चीज साथियों का अक्सर प्रश्न आता है, मेरा भी इससे मना ही हुआ था कि कॉलेज में दोस्तों में अक्सर लोग ये कहते हुए पाए जाते हैं कि अरे आप तो यूपी वाले हैं, आप तो यूपी वाले हैं, आप कैसे कैसे हो रहे हैं, आप ऐसे गलती कैसे कर रहे हैं। तो उम्मीद जाने ध्यान दिया था कि बात वहां पे प्रस्तुत होना है हमें अपने सहज स्वभाव में ही, क्योंकि उनका एक लंबा अभ्यास है हमें देखने का, हमारे साथ कार्य करने का, तो कहीं ना कहीं उन्हें एक लगता है डिस्ट्रैक्शन, या उन्हें लगता है कि अब डूज और डोंट्स पे ही बात होगी, और कहीं ना कहीं ये शुरू भी हो गई थी मुझसे, फिर ये ध्यान गया कि नहीं, एक लेबोरेटरी है वाकई, परिवार, दोस्त और कलीग, समाज, जहाँ पे लोगों का एक लंबा अभ्यास है हमारे जीने को देखने का, हमारे कार्य व्यवहार का, उनको ही लगता है कि खुद तो ऐसी बहुत सी गलती हम करते आए हैं, करते रहे हैं, और आज बता रहे नहीं ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, तो डूज एंड डोंट्स की बात नहीं करनी है, रादर पछताव की बात करनी है, पछताव स्वरूप बात करनी है स्वयं के लिए भी और साथियों के लिए भी अपने। और इस पे भी और ध्यान गया भैया कि कई बार हम शायद आदेश आदेश रूप में प्रस्ताव दे रहे होते थे, तो उसको ऊपर अभी कार्य चल रहा है, मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि कई बार यहाँ भी मैं देखता हूँ टीम के साथ, मुझे जैसे मैंने कहा कि मेरे साथ हमेशा टीम रही, मुझे कभी बैकअप की जरूरत पड़ी तो लोग वहाँ अवेलेबल रहे, इस बात पे भी ध्यान अब देने का प्रयास कर रहा हूँ कि वाकई मैं उनसे प्रस्ताव स्वरूप की बात करता हूँ, ऐसा तो नहीं कि मेरी बात किसी तरह से आदेश रूम में तो नहीं जाती, या लोग कोई प्रेशर तो नहीं फील करते, तो उस पर अभी और कार्य करने की आवश्यकता है, कार्य कर रहा हूँ और इस पे बहुत ध्यान गया कि पहले आदेश ही देता था, फिर प्रस्ताव देने का एक अभ्यास, शायद वो भी मुझे बहुत जोर देना पड़ता था कि हाँ ऐसा हो जाए तो अच्छा रहेगा, लेकिन फिर ध्यान गया कि वो भी शायद आदेशात्मक प्रस्ताव था, अब धीरे धीरे इस पर कार्य कर रहा है, कार्य करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो उससे फिर से आइए आराम, जैसे कई अब मित्र ये रिस्पॉन्स करते हैं कि अरे मना नहीं किया तुमने इस बात के लिए, तुमने इस बात का अपोजिशन नहीं अपोज नहीं किया, हमने कहा नहीं आपको जो ठीक लगे वो आप कर रहे हैं, इतना आराम मिल रहा है तो अच्छी बात है, और मेरे लिए नहीं, तो ऐसी चीजें मतलब ये ध्यान गया भैया समृद्धि के भाव में और लोगों से बातचीत के भाव में। जी जी बहुत बढ़िया भैया,